गुड मॉर्निंग एंड आज है सैटरडे और अभी आफ्टरनून के साथ 3 से ज्यादा हो चुके हैं और हम लोग मॉर्निंग का नाश्ता आपने मेरे लास्ट व्लॉग में देखा होगा, टिमटिम है, टिमटिम को हाय करना है, टिमटिम से हाय, अब बैठ जाओ, चलो सिट, गुड गर्ल। हाँ तो आज का मॉर्निंग का नाश्ता आप लोगों ने देखा था। आज टिमटिम ने न्यू हेयर स्टाइल किया, मम्मा ने डिफरेंट हेयर स्टाइल किया टिमटिम की, तो वही आपको वो दिखा रही है, दिखा दो थोड़ा अच्छे से। मैंने आज इसकी थोड़ी सी ऐसे सोचा, मैंने अभी इतने लंबे हेयर हो गए तो थोड़ा हेयर स्टाइल भी मुझे ट्राई करनी चाहिए, दैट्स व्हाई मैंने किया। बस बेटा आप स्ट्रेट हो जाओ, सीधे हो जाओ और बैठ जाओ, गुड। हाँ तो मैं कहाँ थी, मॉर्निंग का नाश्ता आपने देखा मेरे लास्ट व्लॉग में, तो वही बहुत हैवी हो गया। तो अभी हम लोग फिलहाल जा रहे हैं बाहर, मेरे हस्बैंड का जो चश्मा है वो चेंज कराना है, मतलब वो थोड़ा पुराना हो गया, और फिर उसके बाद में हम लोग जाएंगे मॉल, शायद मॉल जाएंगे क्योंकि अभी बहुत ऑफर्स चल रहे हैं, क्योंकि 15th of August आ रहा है, उसकी वजह से तो ऑफर्स हैं। तो टिमटिम के लिए एक्चुअली थोड़ी ड्रेसेस लेनी, टिमटिम आप लेट गई हो, तो टिमटिम के लिए थोड़ी सी ड्रेसेस लेनी है और भी दूसरी चीज़ें भी लेनी है, तो इसलिए हमने सोचा कि मॉल चले जाते हैं, बहुत ऑफर्स होगी, तो पहले हम जाएंगे चश्मा बनवाने, देन मॉल जाएंगे, और फिर थोड़ा सा और सोचा है तो मैंने कुछ खाने पीने का बना करके रख लिया है। वैसे तो बाहर भी खा सकते हैं बट बच्चों के साथ जब जा रहे हो तब थोड़ा कुछ रखना चाहिए, तो मैंने एक्चुअली इडली रखी है बना करके, क्योंकि क्या पता बाहर जो खाएं टिमटिम वो खाएगी कि नहीं खाएगी, तो मैंने थोड़ी सी इडली, थोड़ा सा जो नमकीन खुरमे बनते हैं मैं फ़ोटो डाल दूँगी, तो वो भी थोड़ा सा रख लिया है टिमटिम के लिए, बस यही है, उस बैग में मैंने यही रखा है। सो इतना है और मैं दिखाऊंगी। और आज क्या है, आज हरियाली अमावस्या है जो कि राजस्थान में मनाते हैं, और एक्चुअली मेरे ससुराल में भी मनाते हैं जो ये हरियाली अमावस्या है। इसमें क्या होता है, जो लेडीज़ होती हैं वो ग्रीन कलर की साड़ी या ग्रीन ड्रेस पहनती हैं और अच्छे से रेडी होती हैं, एंड आज मीठा वो मालपुए वगैरह बनते हैं, पैन केक भी बोल सकते हैं आप उसे, वो सब बनता है, तो वो मैं शाम को बनाऊंगी। और मैंने ग्रीन साड़ी इसलिए नहीं पहनी, मैं मॉल जा रही थी, मैंने सोचा आप साड़ी वाड़ी क्या पहन करके जाना, और मेरे हस्बैंड को भी नहीं पसंद है कि साड़ी पहन करके ऐसे कहीं भी निकल गए, तो इसलिए साड़ी नहीं पहना। सूट भी मेरे पास में ग्रीन कुछ भी नहीं था, तो मैंने ये शर्ट था यही पहन लिया, ब्लैक कलर का, एंड बस इतना ही है। आप लोग बताना आप लोग भी हरियाली अमावस्या मनाते हैं कि नहीं, मेरे ससुराल में एक्चुअली होता है, तो इसलिए मैंने भी सोचा था कि आज बनाऊंगी। और आज प्लांट्स वगैरह भी लगाते हैं, तो मुझे प्लांट्स भी लगाने का था, बट आज मुझे ऐसा लग रहा है हम नर्सरी शायद नहीं जा पाएंगे क्योंकि दूसरी चीज़ें ही करना, बैक टू बैक ही सारी चीज़ें। सो इतना है, ठीक है, फिर करते हैं थोड़ी देर बाद बात। सो हम लोग टाइटन आई से आ गए, और उनके लिए हम लोगों ने फ्रेम सेलेक्ट किया, ब्लैक कलर का फ्रेम है, और आई टेस्ट वगैरह सारी चीज़ें हो गई हैं, बट चश्मा मिलेगा हमें वेडनेसडे या फिर थर्सडे को मिलेगा, और बहुत टाइम लग गया यार, 1.5 घंटे लग गए आई टेस्ट में, और वैसे फ्रेम सेलेक्ट करने में तो ज़्यादा टाइम नहीं लगा क्योंकि हम लोग सोच के गए थे कि कैसा फ्रेम चाहिए, बिल्कुल सिंपल सा। और अभी हम लोग फिलहाल एक जगह रुके हैं थोड़ा सा कुछ खाने के लिए, और भूख लग रही थी क्योंकि हल्की हल्की सी, तो एक है यहाँ पर शॉप, वहाँ पर पराठे बहुत टेस्टी मिलते हैं, तो मेरे हस्बैंड बस गए हैं वो लेने के लिए, तो हम लोग अभी कार में ही बैठे बैठे खाएंगे, एंड फिर उसके बाद हम जाएंगे फिनिक्स, और फिनिक्स से थोड़ी सी करनी है शॉपिंग टिमटिम के लिए और टिमटिम के पापा के लिए, और शायद मेरे लिए भी, मेरे लिए वैसे कुछ ज़रूरी नहीं है क्योंकि मुझे ड्रेसेस लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ड्रेसेस मुझे ब्रांड से आ जाती हैं, शीइन से आ जाती हैं, और दूसरे भी जो फॉरेन वेबसाइट्स हैं उनसे आ जाती हैं, मेकअप आ जाता है, तो एक लेडी को और क्या चाहिए। बट मैं सोच रही हूँ अगर बॉटम वगैरह कुछ अच्छा मिल गया तो लूँगी, बट मेरे लिए अभी फ़िलहाल कुछ भी लेने की ज़रूरत नहीं है, सारी चीज़ें मेरे पास सफिशिएंट है, मतलब मैं सेटिस्फाइड हूँ, तो इन दोनों के लिए लेना है। एंड मुझे थोड़ी पनीर वगैरह लेना है क्योंकि मैं वीकेंड्स में क्या करती हूँ, हफ्ते भर की पनीर लेकर के रख लेती हूँ, तो मेरी पनीर फिनिश हो गई है, बस मुझे पनीर लेना है
और बस थोड़ी बहुत ऐसी शॉपिंग करनी है, देखना है और किन चीज़ों में सेल चल रही है, क्योंकि अभी ये 15 अगस्त की वजह से बहुत सारी चीज़ों में सेल पड़ने वाली है, तो इसलिए हम लोगों ने सोचा कि ले लेते हैं। और आज मेरी लिपस्टिक आई थिंक बहुत डार्क हो गई है, मुझे ऐसा लग रहा है। चलिए ठीक है, मैं आपसे फिर थोड़ी देर से बात करती हूँ। ये है वो टेस्टी पराठे, तो बस अभी हम लोग ये इन्जॉय करेंगे एंड देन आफ्टर हम जाएंगे मॉल, यहाँ से थोड़ा सा दूर है। ठीक है फिर मैं ये इन्जॉय करती हूँ, आप लोगों से बाद में बात करती हूँ। सो पराठा कैसा लगा? बहुत बढ़िया, मस्त था, अच्छा था, एक नंबर। आपने तो खाया ही नहीं, एक नंबर, आपने तो खाया ही नहीं, नहीं खाया ना, क्यों नहीं खाया बताओ ना। बस अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं और अब हम जा रहे हैं फीनिक्स सिटी। सिटी यस, ये जो लिपस्टिक मैंने लगाई है ये है सिफोरा की, और मैंने अभी खाया है फिर भी ये लिप बिल्कुल भी नहीं निकली है, और मैंने लगाए को ऑलमोस्ट 2 से ज़्यादा, यस एग्जैक्ट 2 घंटे हो गए हैं, तो एग्जैक्ट तो नहीं 2.5 घंटे हो गए हैं। तो अच्छी है वैसे लिपस्टिक, बहुत ब्राइट है एक्चुअली, बट ठीक लग रही है, नॉट बैड। क्या हो गया? और मैंने हेयर वॉश नहीं किया, मैं डाउट में थी करूँ नहीं करूँ क्योंकि सैटरडे था, बट फिर मैंने सोचा छोड़ो यार अब एक दिन और टाल लेते हैं, कल संडे कल करूँगी हेयर वॉश। बस अब ऑलमोस्ट पहुँचने वाले हैं हम लोग, क्या कहते हैं, फीनिक्स सिटी। सो अभी हम हैं पार्किंग में एंड टिम टिम आगे आगे जा रही है एज ऑलवेज, और मैं पीछे पीछे एज ऑलवेज। चलिए देखते हैं आगे क्या क्या करना है, कहाँ जाते हैं। पहले सारे ऑफर्स देखेंगे कि कौन से ब्रांड्स में क्या ऑफर है, देन आफ्टर देखेंगे कि कहाँ जाना है हम, क्या करना है। प्लास्टिक इस तरफ। सो हो गई हमारी शॉपिंग और घूमना फिरना सारी चीज़ें, और अब बस हम लोग निकल रहे हैं और घर जा रहे हैं, क्योंकि घर जाकर बहुत काम है। मेरा पूरा किचन वैसे ही पड़ा है, मैंने किचन मॉर्निंग में मतलब ब्रेकफास्ट के बाद के जो बर्तन और थोड़ा सा बस मैंने गैस वाला एरिया क्लीन है, लेकिन फिर भी जो बर्तन है नॉल है वो सारे गंदे ही हैं, तो अभी मुझे जाके वो भी करना है एंड देन डिनर की तैयारी। तो सब निकल रहे हैं, गोल गोल घूमेंगे पापा। यस बेटा, गोल गोल।
सेकंड में बैठ जाओगे भी पीछे। और मैंने मतलब हम लोग सोच के तो गए थे कि बहुत अच्छी सेल लगी होगी, बट ऐसा कुछ भी सेल नहीं थी, नॉर्मल था एक्चुअली। तो H&M से टिमटिम के लिए बस एक दिखाऊंगी मैं आपको घर जा करके कि क्या लिया। एंड देन मैक्स गए थे, मैक्स में भी एज सच सेल नहीं थी, जो हमेशा रहता है वही था। देन उसके बाद हम स्टार चले गए, जो मैंने बताया था नॉर्मल ग्रॉसरी वगैरह लेना था वो लेने के लिए। बस इतना ही किया, लेकिन उसमें इतनी थक गई, मेरे पैर इतने ज़्यादा दर्द हो रहे हैं मैं क्या बताऊँ, और आँखें भी मतलब बस ऐसा लग रहा है थोड़ी देर आराम करने मिल जाता, सोने नहीं, सोने में तो रात में ही मज़ा आएगा, बट आराम करने मिल जाता। और ये लिपस्टिक अभी तक वैसी ही है, आप लोगों को पता है मैं मेरे पर्स में बिल्कुल कैरी नहीं करती हूँ कभी लिपस्टिक टचअप के लिए, बट मैं मॉर्निंग में ये लगा करके गई और अभी तक ये वही है जो आप लेकर आए थे ना जर्मनी से, वही लगाया है मैंने। हम लोग निकले थे 3:13 को, मैंने जब आप लोगों से बात की थी तब 3:13 हो रहे थे, और मतलब मैंने अराउंड शायद 3 बजे लगाया होगा लिपस्टिक या फिर 3:45, और अभी 7:30 बजने वाले हैं और मेरी लिपस्टिक अभी वैसी की वैसी ही है। तो चलिए ठीक है, फिर घर चलती हूँ और आप लोगों से बातें करती हूँ मैं। टिमटिम आप बैठ जाओ बेटा। ओके सो हम घर वापस आ गए हैं और 8:30 बजने वाले हैं अभी, करेक्ट 8:30 बजे अभी। तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को जल्दी बता दूँ कि मैं क्या लाई हूँ, क्योंकि उसके बाद फिर मुझे कुकिंग में लगना है। तो सबसे पहले हम गए थे H&M और सोचा था, बाहर एक्चुअली लिखा था सेल, बट एज सच कोई सेल नहीं थी, मोस्टली बेसिकली टिमटिम के लिए कपड़े लेने गए थे हम लोग, तो एज सच कुछ भी सेल नहीं लग, मतलब सेल में जो कपड़े थे वो उतने अच्छे नहीं लगे मुझे। तो मैंने ये एक बस इसके लिए पैंट लिया टिमटिम के लिए, पिंक कलर का, और ये सेल में नहीं था, तो इसकी जो ओरिजिनल प्राइस है उसी में मिला ये 799 का। ये पैंट है टिमटिम के लिए पिंक कलर का, बहुत अच्छा मटेरियल है, स्ट्रेचेबल है, बट मुझे ये डाउट है कि ये इसकी कमर में अभी आएगा कि नहीं आएगा, बहुत मुश्किल है, बट बहुत ही सॉफ्ट है, बहुत ही अच्छा है, स्ट्रेचेबल है, बहुत ही अच्छा कंफर्टेबल सा कपड़ा है। तो ये लिया है एक, एंड देन मैंने ये हेयर बैंड्स का सेट लिया है टिमटिम के लिए, 3 हेयर बैंड्स है इसमें, और ये है 299 का। और मैंने वैसे अभी टिमटिम के लिए क्लब फैक्ट्री से बहुत सारी हेयर एक्सेसरीज ऑर्डर की है, क्योंकि एक्चुअली मुझे बहुत अच्छा लगता है उसकी, नॉर्मल भी छोटी करूँ मैं और ऐसे कुछ एक्सेसरीज पहना दो तो बेबी गर्ल्स जो होती हैं वो अच्छी लगती हैं, तो मुझे पसंद है और उससे भी बहुत शौक है एक्चुअली, तो इसलिए मैंने अभी क्लब फैक्ट्री से भी ऑर्डर किया है। हो सकता है मुझे 1-1.5 हफ्ते में आएगा, क्योंकि अभी 3-4 दिन पहले ही ऑर्डर किया था, तो वो मैं शेयर करूँगी आपके साथ। तो अभी फ़िलहाल ये लाई हूँ। उसके बाद हम गए थे मैक्स, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, बट मैक्स में मुझे कुछ भी एज सच डिस्काउंट नहीं लगा, जो पहले मिलता था कि 249 में 2 टी शर्ट्स एंड 349 में 2 लेगीज, वही ऑफ़र चल रहा था, कोई ऑफ़र नहीं था, स्पेशल ऑफ़र नहीं था एक्चुअली, तो वहाँ से मैंने कुछ नहीं लिया। और फिर उसके बाद हम चले गए थे स्टार बाज़ार थोड़ा सा ग्रॉसरी के लिए, तो वहाँ से मैंने लाया पनीर, और मैं ये मदर्स डेयरी का जो पनीर होता है फ्रेश पनीर वो यूज़ करती हूँ, मलाई पनीर, तो ये मैंने लाया है 2, एक ऑलरेडी एक्चुअली भी रखा है। और अभी मैं बनाने वाली हूँ वेज बिरयानी, जिसमें कि मैं पनीर और मशरूम वगैरह डाल करके बनाऊँगी। और उसके बाद में ये मैंने लिया है क्यूक्यूम्बर, फिर ये डार्क फैंटेसी मशरूम, ये टैमरिन पेस्ट, इमली का पेस्ट, बाद ये मेरा मस्टर्ड ऑयल फिनिश हो गया था तो एक मस्टर्ड ऑयल भी लाया मैंने, ठीक है। फिर ये कैरेट रोल ऑन, फिर उसके बाद में ये इम्यूनो बूस्टर की ये चॉकलेट्स मिल रही थी, जो कि सिप्ला कंपनी की है और ये 4-6 ईयर्स के बच्चों के लिए है, हर एक मतलब डिफरेंट एज ग्रुप के बच्चों के लिए डिफरेंट आती है, तो हमने 4-6 लिए, बिकॉज टिमटिम 4 ईयर्स उसने अभी क्रॉस किया है। और इसमें है विटामिन ए, विटामिन B9, विटामिन सी एंड आयरन, और 100% इम्यूनिटी बूस्टर है ये, एक्चुअली चॉकलेट्स हैं ये इसके अंदर में, चॉकलेट बार्स हैं जो कि रैपर में पैक्ड है, मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ, वहाँ पर टेस्ट भी करा था टिमटिम ने तो उसे पसंद आया था। बेसिकली इसके अंदर मेडिसिंस भी हैं और मतलब जितने न्यूट्रिशंस की ज़रूरत है बच्चों को वो सारी चीज़ें भी, क्योंकि आजकल के बच्चे खाते पीते तो हैं नहीं अच्छे से,
तो ये क्या है, चॉकलेट भी, मतलब अगर उनने चॉकलेट मांगा तो चॉकलेट का भी सेटिस्फेक्शन हो जाएगा एंड एज मेडिसिन भी वर्क करेगी। तो ये देखिए इसके अंदर इतनी सारी ये चॉकलेट्स हैं और ये है 150 रुपीज़ का, कुछ ऑफर था तो 150 का मिला है। इसका एक्चुअल प्राइस 299 रुपीज़ है, 50% ऑफ में मिला ये, तो ये ले लिया। फिर मैंने लिया ये एक छोटा सा पॉकेट परफ्यूम जो कि VLCC का पॉकेट परफ्यूम है, तो अच्छा है पर्स वगैरह में कैरी करने के लिए। फिर इसके बाद में मैंने लिया है ये नारियल का बूरा, क्योंकि मैं अभी बनाने वाली हूँ मालपुए, तो मैं उसमें ये डालूंगी क्योंकि मुझे अच्छा लगता है वो टेस्ट जो आता है नारियल का मालपुओं में, वो पसंद आता है मुझे। फिर ये थोड़े से एप्पल्स ले लिए एंड ये बनाना। हाँ, देन एट लास्ट मैंने ये एक नेल पेंट लिया जो कि थोड़ी शाइनिंग वाली है। वैसे मुझे मुझे लगा, हाँ रुक जाओ लगा रही हूँ, वेट। वैसे मुझे मैट वाली नेल पेंट्स ही पसंद आती है, बट इस बार आई डोंट नो, मुझे ऐसा मैंने ये देखा तो मुझे लगा कि यार शायद मेरे पास ये होना चाहिए, तो मैंने ये ले लिया थोड़ा सा शाइनिंग वाला। मैंने ये और भी ट्राई किए थे बट मुझे यही अच्छा लगा था, तो ये मैंने ले लिया वहीं स्टार बाजार से। तो बस इतनी चीज़ें, नहीं नहीं बस इतनी नहीं। फिर मैंने ये एक पैंट भी लिया है अपने लिए, क्योंकि मैं जिम जाती हूँ तो वैसे मेरे पास है 3-4 पैंट्स, बट मैंने सोचा कि थोड़े और ऑप्शन हो जाएंगे। तो ये मैंने एक बहुत ही कंफर्टेबल सा लूज सा ले लिया है पैंट, जिसे मैं ऐसे भी नॉर्मली भी पहन सकूँगी और जिम जाऊँगी तब भी पहन सकूँगी। तो बस इतनी सी चीज़ें थी जो कि मैंने स्टार बाजार से लाई है। ठीक है, तो मैं बस अब जाती हूँ कुकिंग करने के लिए एंड फिर उसके बाद में मैं आप लोगों को भी दिखाऊंगी अगर ऐसा कुछ स्पेशल सा बनाया था। वैसे मैं बिरयानी बनाने वाली हूँ, मुझे वैसे बिरयानी उतनी अच्छे से नहीं आती है, मैं मेरे तरीके से बनाने वाली हूँ, तो आप लोग मेरे साथ अपनी रेसिपी ज़रूर शेयर करना जिस तरीके से आप बनाते हैं। मैं मेरे तरीके की अभी आपको दिखाऊंगी, मुझे बहुत अच्छे से नहीं आती, बस ऐसे ही काम चलाओ बनाती हूँ, मेरी फैमिली को अच्छा लगता है वही मेन चीज़ है। तो बस मैं वही बनाने वाली हूँ और थोड़े से बस मालपुए बनाऊंगी, बिकॉज आज है हरियाली तीज, और तीज नहीं सॉरी हरियाली अमावस्या, और आज के दिन मालपुए बनते हैं हमारे यहाँ, मतलब मेरे ससुराल में। तो बस वही मेक जो एक है वो पूरा करना है मुझे, तो बस अब मैं जा रही हूँ वही करने के लिए। ठीक है, फिर मैं मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर बाद। प्लान में है थोड़ा सा चेंज, क्योंकि मेरे पास में मिंट लीव्स नहीं है तो मैं वो नहीं बना रही हूँ बिरयानी, मैं एक्चुअली बना रही हूँ पनीर तवा बनाऊंगी, मतलब तवे पर पनीर को थोड़ा सा फ्राई करके एंड देन मैंने राइस बना लिया है और फिर राइस को उसके साथ में थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी, वो भी बहुत टेस्टी लगता है, तो उसकी रेसिपी मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ। तो उसके लिए मुझे सबसे पहले जो पनीर है उसको मैरिनेट करके रखना होता है, फिलहाल मैं अभी मैरिनेट करके रख दूँगी फॉर हाफ एन आवर्स, मीनवाइल मैं अपने दूसरे काम निपटा लूँगी, फिर उसके बाद में हम पनीर को फ्राई करके एंड देन राइस को एक हल्की सी ग्रेवी प्रिपेयर करके और उसमें मिक्स कर लेंगे। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले पनीर को मैरिनेट करने की। इसके लिए सबसे पहले आपको लेना है अराउंड 2 चम्मच बेसन, ठीक है। फिर इसमें डालना है हल्दी, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, मिर्ची मैं थोड़ी कम ही डालूंगी बिकॉज टिमटिम को भी खाना होता है, थोड़ा सा जीरा, थोड़ा सा गरम मसाला, फिर उसके बाद में मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा कर्ड, और कर्ड में एक्चुअली इसको बना, मतलब कर्ड के मिक्सचर में जो पनीर है उसे मैरिनेट करने से जब हम बाद में जो टेस्ट आता है उसका वो बहुत ही अच्छा आता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर ले लिया है कर्ड, ठीक है। फिर ये मैंने अदरक और लहसुन को कूट करके रखा है, ये मैंने थोड़ा ज़्यादा लिया है क्योंकि ये जो इसमें लहसुन का टेस्ट आता है वो बहुत ही अच्छा लगता है, लाजवाब होता है, दैट्स व्हाई मैंने इसमें थोड़ा सा, थोड़ा नहीं थोड़ा ज़्यादा ही ये लिया है, क्या कहते हैं लहसुन लिया है, अदरक थोड़ा सा कम। इन सारे इंग्रीडियंट्स को हमने अच्छे से एकदम मिक्स करना है।
पनीर मैंने काट करके रख लिए हैं, थोड़े बड़े बड़े पीसेस ही काटे हैं, ठीक है। अब इनको ये हमने मिक्स प्रिपेयर किया है, इसमें अच्छे से मिक्स करके आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे हम, या फिर 15 मिनट्स भी सफिशिएंट है, बट मुझे एक्चुअली आधे घंटे का काम है, दैट्स व्हाई मैं इसे आधे घंटे के लिए ऐसे मैरिनेट करके। इन मिक्सचर में ही हमें जो मशरूम है उसे भी थोड़ा सा सेकना है, बट उसे मैरिनेट नहीं करेंगे मशरूम को, नहीं तो वो बहुत पानी छोड़ देता है। पनीर को हम मैरिनेट करेंगे और रख देंगे फॉर 15 to 30 मिनट। सो मैरिनेट हो चुका है और यहाँ मैंने ये बैटर प्रिपेयर कर लिया है मालपुए के लिए। एक्चुअली मालपुआ नहीं है ये, एक्चुअली मेरा वर्जन है। मालपुआ बनता है मैदे में, मेरी मम्मी भी मैदे में बनाती है, आई थिंक मेरे ससुराल में भी मैदे में ही बनता है, बट मैं बना रही हूँ आटे में। उसमें मैंने थोड़ा सा पका हुआ केला भी मैश कर लिया है, थोड़ा दूध डाला है और जो इलायची होती है उससे डाला है, एंड इसका कलर थोड़ा सा ब्राउनिश इसलिए दिख रहा है क्योंकि इसमें मैंने सिर्फ गुड़ डाला है, शक्कर नहीं डाला है, एंड फिर मैंने इसमें नारियल का बूरा डाल दिया है और फिर उसको मिक्स कर दिया है। तो ये रेडी है बिल्कुल, और यहाँ पर ये जो हमने मैरिनेट करके रखा था ये बिल्कुल रेडी है। अब मैं गैस में दोनों तरफ सबसे पहले राइस का काम कंप्लीट करूँगी, उसके बाद गरम गरम से ये जो पुए या पैनकेक है ये बना करके निकालूँगी। तो और यहाँ पर मेरी सब्जियाँ भी कटी हुई रेडी है, ये मशरूम काट दिया है मैंने, ये देन प्याज और टमाटर मिर्ची और ये थोड़े हरे मटर। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले दोनों तरफ मैं पैन रख दूँ, बस ठीक है, गिर जाएगा बेटा, बहुत क्लीन कर दिया बस थोड़ा सा ऑयल पनीर सेकने के लिए। ओके, और ये भी सूख गया है, इसमें भी हम डाल लेंगे थोड़ा सा ऑयल, थोड़ा सा क्यूमिन सीड डाला मतलब जीरा इसमें डाला, तेज पत्ता, इसके बाद में हरी मिर्च डाल दिया, ये तेल भी गर्म हो गया है। तो यहाँ पर पनीर हमारे फ्राई हो रहे हैं और यहाँ पर मैंने प्याज मिर्ची और टमाटर और ये तेज पत्ता इसको डाल करके मैं इसे फ्राई कर रही हूँ, और अब मैं इसमें डाल दूंगी मटर भी। मीनवाइल अब इसको हम थोड़ा सा फ्लिप कर देते हैं, मतलब कुछ डालो उसके बाद इसको साफ करना है। क्या करूं तो मैं सबको साफ करना है। हाँ करो करो, साफ कर दूंगी। ओके ठीक है, मैं बना लेती हूँ फिर आप साफ कर देना, ठीक है। गुड गर्ल, बस ये भी फ्लिप हो गए। मैं डाल दूंगी अब सॉल्ट टेस्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। मैंने राइस में सॉल्ट नहीं डाला था, जो मैंने राइस पहले से बॉईल करके रखा है उसमें, और फिर मैं डाल दूंगी हल्दी, कोरिएंडर पाउडर, धनिया पाउडर, तो इन सबको अच्छे से मिक्स करके ये पक जाए अच्छे से। मेरी आवाज करने लग गए हैं, इनको भी थोड़ा और फ्लिप कर देते हैं। पनीर बहुत अच्छी तरीके से क्रिस्पी हो गए हैं। अब मैं जो ये मशरूम है इसे भी मैं इसी, ये जो बैटर है इसी में अच्छे से लपेट करके और फिर तवे पर सेक देती हूँ। वाओ, जब मशरूम फ्राई होते हैं तो इतनी अच्छी खुशबू आती है। तो मशरूम भी पक रहे हैं, उतने ही ऑयल में वो पक जाएंगे और एक्स्ट्रा ऑयल डालने की जरूरत नहीं है। इसमें मैं थोड़ा सा गरम मसाला डालूंगी, एकदम थोड़ा सा, ठीक है, वो डाल दिया। अब बारी आती है इसमें राइस डालने की। ये हो गया है राइस कंप्लीट, इसमें डाल दूंगी मैं ये पनीर जो हमने फ्राई करके रखा था, एंड उसके बाद में ये जो मशरूम है ये भी कंप्लीटली फ्राई हो गया है। ओके, अब इनको
मिलाएंगे तो भी ठीक है, नहीं मिलाएंगे तो भी ठीक है। मैं तो अभी ऐसे ही इसको कवर करके रख दूंगी ताकि गरम गरम रहे। बस अब मैं बनाऊंगी मेरे पैनकेक्स। सो हो गया हमारा डिनर। जो मेरे पैन केक्स थे वो बहुत टेस्टी बने थे। एक बार इस तरीके के बना करके देखना आप, उसमें जो नारियल का टेस्ट आता है वो बहुत टेस्टी लगता है। तो एक बार ट्राई ज़रूर करना। एंड राइस भी अच्छा बना था, लेकिन अगर उसमें मिर्ची होती तो और अच्छा लगता, बट टिमटिम की वजह से हम मिर्ची नहीं डाल सकते। और अगर मैं ग्रीन चटनी पीस लेती तो वो और मज़ा आता, बट मैं बहुत थक गई तो मैंने ग्रीन चटनी नहीं पीसा। बट ओवरऑल अच्छा था, तो आप ज़रूर ट्राई करना। एंड वैसे मुझे मशरूम जब रहता है राइस वगैरह में तो बहुत बहुत टेस्टी लगता है। और थोड़ा मशरूम बचा है, उसकी मैं कल या परसों सब्ज़ी बनाऊंगी। एंड अभी मैं कर रही हूँ इस व्लॉग को फिनिश। मुझे नहीं पता कितना बड़ा व्लॉग होगा, कितना छोटा व्लॉग होगा, क्योंकि नहीं पता कितना बड़ा होगा। और बहुत लोग बोल रहे थे लंबे व्लॉग बनाओ यार, मैं ट्राई कर रही हूँ बट मुझसे नहीं बन रहे लंबे व्लॉग्स। बट ठीक है, आगे मैं कोशिश करूँगी कि लंबे व्लॉग्स बनाऊँ। अब बस टिमटिम को नाइट ड्रेस पहनाना है एंड मुझे भी मेरा नाइट टाइम रूटीन करना है और फिर हम मूवी देखेंगे, है ना टिमटिम? ये बास्केट वाली फ्रॉक। बास्केट वाली फ्रॉक है ये, तो ये उतार के और फिर हम नाइट ड्रेस पहनेंगे। ये बॉय की है, बॉय की है ये। हाँ, बॉय बास्केट। बॉयज ऐसी ड्रेस नहीं पहनते बेटा, गर्ल्स पहनती हैं ऐसी ड्रेस। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, से बाय, मुंह से बोलो गुड नाइट। गुड नाइट।